दिल्ली में निर्भया को दोषियों को फांसी देने को लेकर प्रदर्शन तेज, हाथों में चूड़ियां लेकर महिलाओं ने किया मार्च। सैकड़ों महिलाएं प्रदर्शन में हुई शामिल, दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग। स्वाति मालीवाल भी प्रदर्शन में हुई शामिल, राजघाट से संसद तक मार्च। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प, भारी सुरक्षा बल तैनात। निर्भया के चारों दोषियों को शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, दोषी दया याचिका पर रखेंगे अपना पक्ष। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई, तिहाड़ जेल से पटियाला कोर्ट तक जुड़ेंगे आरोपी। निर्भया की मां ने डाली है याचिका, जल्द से जल्द फांसी देने की मांग। निर्भया केस में दोषियों को फांसी देने पर सस्पेंस जारी, तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक अब तक राष्ट्रपति की तरफ से नहीं आया जवाब। तिहाड़ जेल प्रशासन ने जल्लाद के लिए यूपी सरकार को लिखी थी चिट्ठी, मेरठ जेल से जल्लाद भेजे जाने की खबर। झारखंड की रैली में नागरिकता संशोधन बिल पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया गुमराह करने का आरोप, बोले बहकावे में न आए। कहने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भ्रम फैलाया जा रहा है कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे, जबकि कानून पहले से ही भारत आ चुके शरणार्थियों की नागरिकता के लिए। मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों में फैली हिंसा के पीछे बताया कांग्रेस का हाथ, बोले कांग्रेस शरणार्थियों का हमेशा से करती है इस्तेमाल। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के हालात पर मांगी जानकारी, हालातों पर काबू पाने के लिए भरोसे के अधिकारियों को भेजा गया असम। हिंसक प्रदर्शन के बीच गुवाहाटी के कमिश्नर हटाए गए, असम में इंटरनेट 48 घंटे के लिए बंद। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ डिब्रूगढ़ में प्रदर्शन, सीएम के घर पर पत्थरबाजी, कई फ्लाइट रद्द। असम के कई जिलों में कर्फ्यू लगा, असम और त्रिपुरा में ट्रेन सर्विस रद्द, सभी रणजी मैच भी रद्द। गुवाहाटी में सड़कों पर सीआरपीएफ का फ्लैग मार्च, गुवाहाटी जाने वाली कई फ्लाइट्स भी कैंसिल। असम के बुगाई गांव में 24 घंटे का बंद, कल प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में बंद। अगरतला में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, भारी सुरक्षा बल तैनात। अफगानी सिखों ने मनाया जश्न, डांस के बीच पार्टी मिठाइयां। नागरिकता संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की याचिका, बिल को रद्द करने की मांग। बिल को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का आरोप, हिंसक प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसा रही है कांग्रेस। नागरिकता बिल के विरोध में अवार्ड वापसी विरोध, राज्य साहित्य अकादमी से सम्मानित शरीफ दलवी ने की अवार्ड वापसी की घोषणा। कैब बिल को प्रियंका गांधी ने बताया असंवैधानिक, बोली बीजेपी की विभाजन नीति के खिलाफ लड़ेगी कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद मुठभेड़ की जांच पर निगरानी के लिए कमेटी बनाई, 6 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। कमेटी घटना की परिस्थितियों की पड़ताल करेगी, पैनल में 3 जज शामिल। कोर्ट ने एसआईटी समेत चल रही सभी जांच पर लगाई रोक, जांच की मीडिया कवरेज को रखा गया है दूर। सीजीआई ने कहा निष्पक्ष हो जांच, हम अपनी आंखें बंद नहीं करने वाले कि उन चारों आरोपियों ने क्या किया। मुकुल रोहतगी सरकार की तरफ से इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया, याचिकाकर्ता ने मुठभेड़ को बताया फर्जी। अमेरिका के F-16 विमान भारतीय सीमा पार करना पाकिस्तान को पड़ा महंगा, अमेरिका ने लगाई फटकार। अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट्स विमान के दुरुपयोग का पाकिस्तान पर लगाया आरोप, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तानी विमान भारतीय सीमा में घुसे थे, भारतीय वायुसेना ने खदेड़ा। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, पुंछ सेक्टर में गोलाबारी। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सरहद पार से मोटार शेलिंग, सिरीकोट गांव से 5 परिवारों को हटाया गया। पहाड़ों पर बर्फ ने बचाया कोहराम, उत्तराखंड में 13 दिसंबर तक भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट। उत्तराखंड के औली और हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों और घरों में सफेद बर्फ की मोटी चादर, यातायात ठप। पिथौरागढ़ में बर्फबारी ने मचाया कहर, 2 दिन तक भारी बर्फ गिरने की आशंका। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। शिमला में भी ताजा बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर जमी बर्फ। ताजा बारिश और बर्फबारी से कश्मीर में फिर मौसम खराब, लगातार 7वें दिन हवाई सेवा बंद।
तीन दिन तक राहत के आसार नहीं, ठंड की वजह से स्कूलों में छुट्टी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण, कई इलाकों में खतरनाक स्तर तक पहुंचा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। गोपीनाथ मुंडे की जयंती पर बेटी पंकजा मुंडे के बगावती तेवर, पार्टी छोड़ने की धमकी दी, एकनाथ खड़से भी साथ नजर आए। मराठवाड़ा मुद्दे को लेकर पंकजा मुंडे करेंगी एक दिन की भूख हड़ताल, बोली किसी पार्टी से जोड़कर ना देखी। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी को अधिकृत करने का बिल पास होने के बाद बीजेपी 22 दिसंबर को करेगी रैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे धन्यवाद। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में सुनवाई टली, जज की छुट्टी होने की वजह से 7 जनवरी को होगी सुनवाई। अमरावती में वाईएसआरसीपी की विधायक ने सीएम जगनमोहन रेड्डी को बांधी राखी, महिलाओं को सुरक्षा देने का दिया वचन। अयोध्या रिव्यू पिटीशन पर बैठे 5 जजों की पीठ, थोड़ी देर में आ सकता है फैसला। 18 याचिकाओं पर होनी है सुनवाई, 9 याचिका पक्षकारों की तरफ से की गई है दाखिल। अयोध्या में राम मंदिर पर फैसले के बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक खुदाई की मांग, 9 जनवरी को सुनवाई। दिल्ली के अनाज मंडी में लगी आग का मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, एनजीओ ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। कश्मीर में आर्टिकल 370 पर सुनवाई, मामले को बड़ी बेंच में सुनवाई की मांग। योगी आदित्यनाथ ने ली पहली सेल्फी, सेल्फी पॉइंट का किया उद्घाटन। कानपुर के दौरे पर योगी आदित्यनाथ, मोदी के कार्यक्रम से पहले गंगा बैराज का लिया जायजा। परिवार के साथ उद्धव ठाकरे का पुणे दौरा, कुलदेवी इकवीरा के मंदिर में की पूजा। भीम आर्मी सुप्रीमो चंद्रशेखर ने किया ऐलान, जल्द बनाएंगे राजनीतिक पार्टी। पीयूष गोयल ने की दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मुलाकात, तीर्थ यात्रा ट्रेन को लेकर चर्चा। झारखंड में आज तीसरे दौर का मतदान, 17 सीटों के लिए 309 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 3 बजे तक 57% मतदान, 5 बजे तक होगी वोटिंग। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मैदान में, धनवर सीट से हैं उम्मीदवार। झारखंड की शिक्षा मंत्री नीरा यादव कोडरमा से लड़ रही है चुनाव, रांची से शहरी विकास मंत्री सीपी सिंह है बीजेपी उम्मीदवार। 16 दिसंबर को चौथे चरण की 15 सीटों के लिए वोटिंग, 20 दिसंबर को पांचवें चरण का मतदान। मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम केस में आज फैसला टला, जज की छुट्टी की वजह से नहीं आया फैसला। सुपरस्टार रजनीकांत के जन्मदिन पर आज कई शहरों में जश्न, चेन्नई में रजनीकांत के घर के बाहर जुटे समर्थक। तमिलनाडु के पुडुकोटाई में रजनीकांत के फैंस ने हाथ में प्याज लेकर मनाया जश्न, मंदिरों में पूजा और बांटा प्रसाद। बीकानेर में डेयरी प्लांट बंद होने पर किसानों का प्रदर्शन, सड़कों पर बहाया दूध। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की कैबिनेट ने कड़े कानून को दी मंजूरी, 1 हफ्ते में जांच पूरी, 3 हफ्ते में दोषियों को फांसी। संस्कृत छात्रों के खिलाफ बीएचयू के शिक्षकों और छात्रों ने खोला मोर्चा, दलित असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शांतिलाल सालवी पर हमले का विरोध। फिरोज खान के समर्थक मानकर डॉक्टर सालवी को छात्रों ने दौड़ाया, शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर नाराज छात्र और शिक्षक। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में युवक की दिन दहाड़े हत्या, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। यूपी के बाराबंकी में गन्ना मूल्य बढ़ोतरी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन, सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग ने मृतकों को बांट दिए 87 करोड़ रुपए पेंशन, मरने के बाद 6 साल मिलती रही पेंशन, खाते से निकलते रहे पैसे। महाराष्ट्र के अकोला में संपत्ति विवाद को लेकर भाई ने भाई को जिंदा जलाया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में शक की वजह से एक दोस्त ने ली दोस्त की जान। उधम सिंह नगर में पुलिस वाले पर रेप का आरोप, पीड़िता के मुताबिक शादी का झांसा देकर की दरिंदगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ के पेपर लीक का ऑडियो वायरल, प्रोफेसर आरके सिंह और अशोक सोनकर सस्पेंड। हिंद मेडिकल कॉलेज की चेयरपर्सन डॉक्टर ऋचा मिश्रा कर रही हैं लॉ की पढ़ाई, फोन पर बताए जा रहे थे परीक्षा के प्रश्न और उनके उत्तर। हरियाणा के पलवल में नाबालिग से गैंगरेप केस में एक आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। यूपी के सोनभद्र में बैंक में चोरी की कोशिश नाकाम। बरेली के ग्राम प्रधान को झूठे मामले में फंसाकर 7 लाख रुपए की वसूली, 4 आरोपी पुलिस वाले सस्पेंड। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से कार की टक्कर। मथुरा में स्कूल कॉलेज के बाहर एंटी रोमियो टीम सक्रिय, 25 दिसंबर तक के लिए किए गए खास इंतजाम। मध्य प्रदेश के कटनी में स्कूल वैन में आग, हादसे में सुरक्षित बचे 10 बच्चे। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग दरिंदगी, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में जहरीला पौधा खाने से 12 स्कूली बच्चे बीमार।
हिमाचल के कांगड़ा में चोरी के शक में एक युवक की बुरी तरह पिटाई। आसाराम केस के मुख्य गवाह की हत्या के आरोप में बंद शूटर नारायण पांडे को मिली जमानत। यूपी के हरदोई में गांव वालों ने नदी पर बनाया लकड़ी का पुल, हादसे की आशंका के बीच पार करते हैं पुल। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लोकसभा अध्यक्ष ने किया फ्री कंबल बैंक का उद्घाटन। लखनऊ इमामबाड़े में टिकटॉक वीडियो बनाने को लेकर शाही परिवार का विरोध। ओडिशा के संबलपुर में काट दिए गए 40,000 पेड़, कोयला खदान के लिए एनएलसी नाम की कंपनी से हो चुकी है डील। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस की तैनाती, गांव वाले कर रहे हैं विरोध। चीन लॉन्च करेगा अपनी डिजिटल करेंसी, शुरुआत में दो राज्यों में किया जाएगा इस्तेमाल। सऊदी अरामको ने रचा इतिहास, 133 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ बनी दुनिया की सबसे अमीर कंपनी। दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन कामकाज वाले स्थानों से गूगल और फेसबुक हुए बाहर, हबस्पॉट बनी नंबर वन। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को राहत, मेडिकल आधार पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। इंग्लैंड में आम चुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट, बोरिस जॉनसन और जेरेमी कॉर्बिन में कड़ा मुकाबला। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।